मेरा ये है कि अगर बुरहान वानी उस वक्त पैदा हुआ तो हमारे यहाँ इस वक्त जो पैदा होंगे कल को दूसरे किसी को इसको फेस करना पड़ेगा। अफजल गुरु डेथ स्क्वाड, ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए। ये खाली गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस नहीं है, ये हम सब के लिए चैलेंजेस है। और जावेद साहब ने बिल्कुल सही बताया कि एक जो जो एक पॉलिटिकल इशू है उसको कहीं खुदा ना खास्ता रिलीजियस इशू की तरह हाईजैक ना किया जाए, क्योंकि पॉलिटिकल इशू को हम एड्रेस कर सकते हैं, उसका हम कोई तरीका निकाल सकते हैं, मगर रिलीजियस इट इज लाइक, आपको पता है सबसे बड़ी कामयाबी मैं जब देखती हूं कि मुफ्ती साहब के फैसले की कि आज मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर जो हमारी अलायंस है सबसे बड़ी कामयाबी की यहां पर इस वक्त हार्मनी है, भाईचारा है। जो मुंह को देखिए, मैंने पिछले साल भी कहा मुझे कितना अच्छा लगता है जो कश्मीर में हमारा कश्मीरी सहमा हुआ होता है, रास्ते पे चलते सहम सहम के चलता है, उसको डर रहता है पता नहीं कब क्या हो जाएगा, वो यहां आके बड़े क्या बताऊं मैं किस किस शौक के साथ कैसे किस जौक के साथ वो चलता है। और इतना अच्छा लगता है मुझे जब मैं सुबह मंदिर की घंटी, उसके बाद अजान और फिर दिन को गुरबानी सुनती हूं, इतना अच्छा लगता है। ये तो हमारे कश्मीर में होता था, ये तो अब वहां तो सुनाई नहीं देता ये सब, तो हमने इसको वापस लाना है, ये हमारे बच्चों की विरासत है। ये तो ठीक है हम लड़ेंगे कि आप कुछ बोलेंगे ये कराओ, कुछ बोलेंगे वो कराओ, कोई कहते हैं इधर जी ऐसे हल होना चाहिए, मगर जब हमारा सोशल फैब्रिक ही खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। हमने कोई कमी नहीं रखी, अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब 400 स्कूल अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ठीक कर रहे हैं, इस बार हमारा रिजल्ट जो है पहले से 5% बेटर आ गया है मैट्रिक का, परसेंटेज 5 से लेकर 7 ज्यादा नंबर आ गए हैं सरकारी स्कूल में। सर ये जो गैप है प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स में वो कम होता जा रहा है, मैग्नमाइजेशन की बहुत बात हुई, हॉर्टिकल्चर में हाई डेंसिटी में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हेल्थ में हम कोई 87 जो है मॉडल अस्पताल बनाने के लिए एक प्रोसेस चल रहा है हमारा, मेडिकल कॉलेजेस के लिए स्टाफ कोई 3,500 हमने सैंक्शन, जो नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे उसकी फैकल्टी का ऑलरेडी हमने रेफर कर दिया है, हमने कोई 3,000 जो है असामिया फिजिकल ट्रेन टीचर्स के लिए, 500 हमने फॉरेस्ट में, कोई 2,500 टीचर्स हमने रेफर किए, अगर हम देखते हैं तो कोई इस साल में भी कोई 10-15 हज़ार लोग जो है हमने रिक्रूट किए, रहबर खेल तो भी करना है। तो यहाँ सर कल बड़ी बात हुई कि आप लेगेसी क्या छोड़ के जा रहे हो, करप्शन की किसी ने बात की, मैं उनको बताना चाहती हूँ सबसे ज्यादा करप्शन अगर यहां होता था तो वो नौकरियों में होता था। मुझे एक आदमी बताए जो पुलिस में हमने रिक्रूटमेंट की जिसमें गरीब से गरीब लोग कुपवाड़ा जैसे डिस्ट्रिक्ट के दूर दराज गांव में 7-7, 8-8 लड़के रिक्रूट हुए, मुझे कोई बताए कि उसमें किसी की सिफारिश किसी ने पैसा दिया हो तो मैं मानूं कि हाँ जी ये तो बड़ा तूफान हो गया हमारा, तो यहां तो कुछ भी नहीं, ये जो कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन, लोग अपने घर के जेवर बेचते थे, जो गरीब होता था वो गाय बेचता था, घोड़ा बेचता था, बीवी के जेवर बेचते थे, जमीन बेचते थे, तब जाके उनको पुलिस में नौकरी मिलती थी। मगर आज आपने चाहे पुलिस हो चाहे SSRB हो चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कहीं कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। अभी किसी ने कहा SSRB में कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट में वो भी एक ब्लॉक में ज्यादा लोग आए हैं, मगर ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस से आ गए हैं और यहां बड़ी कोशिश की जाती है। मुझे अफसोस है उनकी अकल पे जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं और बार 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 यहां जम्मू डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर झगड़ा उठाना चाहते हैं, यहां एक बात कश्मीर में दूसरी बात, इस वक्त तो कोई है नहीं उनमें से हाउस में जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन, और जब कश्मीर पहुंचेंगे तो वहां कोई और बात करते हैं। बहुत अफसोस की बात है मुझे, हमने इन 3 सालों में मुफ्ती साहब से लेकर आज तक हमने कोशिश की कि हकदार को हक मिले, हमने किसी चीज में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की, चाहे पुलिस की भर्ती हो
چاہے ایس ایس آر بی ہو, صرف میرا ان کو ایک کہنا ہے, جلدی کرو خدا کے لیے. یہ جو پانچ پانچ چھ چھ سال پروسیس چلتا ہے, بچہ فارم بھرتا ہے, بوڑھا ہو جاتا ہے, اوور ایج ہو جاتا ہے, آپ کرتے نہیں, اس کو جلدی کرو. اس پروسیس کو ہم نے جلدی کرنے کی کوشش کی. ہم نے سر جو یہاں ایمز کی بات ہے, ایمز میں ہمارے ہاتھ, ہماری جو ایک جموں اور کشمیر میں کینسر انسٹیٹیوٹ ہو, جموں میں, کشمیر میں, باقی جو چیزیں ہیں دونوں جگہ پہ, اس میں ہم نے بہت کام کیا ابھی تک. اور جب یہ دو انسٹیٹیوشنز بنیں گے, مرحوم شیخ صاحب نے ایک سکمز بنایا, ہم دو بنا رہے ہیں, دو ایمز, جو پہلی بار ہمارے ملک کے اندر اگر کہیں دو سمارٹ سٹیز, دو ایمز جس کے لیے ان کو سارے قانون بدلنے پڑے, یہ تو اتنی بڑی چیز ہے. یہ تو ایمز تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دو دو بنے. مگر سر یہ تو ساری جو ہیں پاور میں, مجھے اس کا اعتراف ہے, مگر کیوں, کیا وجہ ہے ہمارے پاس پیسہ ہے اس کے باوجود ہم خرچ نہیں کر پائے؟ حالات. باہر کا کوئی جو ٹھیکے دار ہے, جو بڑا کانٹریکٹر ہے, وہ وادی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے حالات کی وجہ سے, اور لوگ اندھیرے میں ہیں. جو ہمارے لوکل کانٹریکٹر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ اس کی کچھ کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ایسی ہیں. یہ بات کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ جی گیس ٹربائن کیوں نہیں چلاتے ہو؟ ارے بابا, آپ کے ٹائم میں اس میں چار میں تین ٹربائن خراب ہے. اس میں جتنا پیسہ لگے گا تین ٹربائن ٹھیک کرنے کے لیے, شاید وہ پورا ہمارا پاور کا بجٹ بن جاتا ہے ایک سال کے لیے. سر مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ جو لیڈر آف اپوزیشن نے یہاں 70 سال سے جموں کشمیر میں سرکاریں بنتی ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں, مگر اس میں انہوں نے میرے والد, ہمارے قائد مفتی محمد سعید صاحب کے 3 سال چنے کمپیریزن کرنے کے لیے. تو اس سے بڑی فخر کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ 70 سال جہاں لیڈر جیسے مرحوم شیخ صاحب, بخچی صاحب, صادق صاحب, قاسم صاحب, فاروق صاحب, غلام محمد شاہ صاحب, غلام نبی آزاد صاحب, تو جب کمپیریزن کیا تو مفتی صاحب کے 3 سالوں کا کیا, تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. دس از سم تھنگ آئی ایم ریئلی ہیپی اباؤٹ اٹ کہ آپ نے اس کا کیا, کہ اس کا کمپیریزن کیا. تب آپ نے ایسا کیا تھا, تب مظفر آباد روڈ کھولا تھا, تب باقی چیزیں کی تھی, یہ بالکل صحیح ہے. تب ہم نے جو اس وقت, مگر وہ شاید ہم اکیلے نہیں کر پاتے. اس وقت مرکز میں جو سرکار تھی, واجپئی جی کی سرکار, وہ بہت ہی زیادہ پیپل فرینڈلی تھی. مفتی صاحب کہتے تھے وہ کرتے تھے, کیونکہ واجپئی جی سمجھ گئے تھے اس چیز کو. جیسے کہ ابھی یہاں رینا صاحب نے بتایا کہ آپ دوست بدل سکتے ہو, ہمسایہ کو نہیں بدل سکتے آپ, اور یہ بالکل صحیح بات ہے. وہ اس بات کو, تبھی واجپئی جیسا لیڈر بس لے کے جاتا ہے. جس دن واجپئی جی کی بس گئی, اس دن رات کو 7 ہمارے بلجرالا میں, ہمارے ادھر رجوری میں 7 لڑکے مارے گئے جو شادی میں کام کر رہے تھے. اس لیے کہ یہ فیل ہو جانا چاہیے, واجپئی جی لاہور نہیں جانے چاہیے. سر میں خود گئی وہاں بلجرالا, میں نے خود ایک لڑکے کو جو وہاں مارا گیا, جس کا کوئی 22-23 سال کا ہے, اس کو میں نے خود لکڑی دی, وہ اسی ایک رات کو مار کر پھر بھی چلے گئے. کرگل ہوا, اس کے باوجود انہوں نے بلایا مشرف کو. پارلیمنٹ پہ اٹیک ہو, اس کے باوجود وہ گئے اور سیز فائر ہو گیا ہمارا, جو سب سے کامیاب سیز فائر ہوا. بات چیت ہوئی, نہ صرف حزب المجاہدین کو ٹیبل پہ لایا, بلکہ جو حریت کے اس وقت کے لیڈر ہیں گیلانی صاحب کے بغیر, سب کے ساتھ بات چیت ہوئی. یہ سب کیوں کیا انہوں نے؟ کیا کسی سے ڈرتے تھے وہ؟ کیا ان کو کسی کا خوف تھا؟ نہیں. یہ دل, ایک دل یہاں پر جو دھڑکتا تھا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے لیے, اس ملک کے اس سپاہی کے لیے جو 22-21-20 سال کا ہوتا ہے اور یہاں سے تابوت میں چلا جاتا ہے واپس, یہاں کے بچے کے لیے جس کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے اس کو بندوق دیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے بس تم انکاؤنٹر میں حملہ کرو, مارے جاؤ گے, تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے. اس کو یہ بتایا جاتا ہے,
उसको ये नहीं बताया जाता तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या क्या ख्वाब देखे हैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में। किसी ने सही कहा, बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है इसको कि भाई बंदूक उठा के सोशल नेटवर्क पे बंदूक लगाई, 15 साल का, 16 साल का, 18 साल का, 19 साल का लड़का। इसीलिए मेरी कोशिश है कि जो हमारे लोकल मिलिटेंट्स हैं उनको किसी तरह से वापस लाया जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ स्पीकर साहब, पिछले कुछ महीने पहले एक जगह एनकाउंटर हुआ और रात भर वहाँ एक मिलिटेंट फायर करता रहा, जख्मी हुआ तो जख्मी हालत में उसको पुलिस ने अस्पताल लिया, उसका इलाज करवाया। ये भी एक पहलू है, इस एक हकीकत है जो इस वक्त हो रहा है। और कई लोग, हम अब बीच में नहीं पढ़ते हैं, हमने, मैं शुक्रगुजार हूँ उन माँ बाप की जो डायरेक्टली अपने बच्चों को अपील करते हैं, और हम उनको ये भी नहीं कहते कि आप थाने में आ जाओ, हम कहते हैं अपने घर चले जाओ, आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। क्योंकि ये नए नए लड़के हैं, अभी इनको बंदूक चलाना भी नहीं आता है, मगर मुझे खुशी है कि अभी कई बच्चे जो हैं हमारे वापस आ गए और हम उनको कोई हैरेसमेंट, कोई कुछ नहीं हो रहा है उनके साथ। और अभी जो कुपवारा के बच्चे की, जो लड़के की इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने आज किसी अखबार में पढ़ा है, उसके जो क्लास फेलोज़ हैं अलीगढ़ में, उन्होंने भी उसको अपील की है कि तुम इतने इंटेलिजेंट हो, इतने अच्छे हो, वापस आ जाओ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह उसके माँ बाप जार जार रो रहे हैं, वो लड़का भी अपने घर वापस आएगा सर। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि जो लोकल हैं, जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं, वो ये बंदूक का रास्ता तर्क करके कौमी लहलंगर में वापस आ जाए, अपने घरों पे वापस आ जाए, क्योंकि ये लॉस हमारा होता है। एक मिलिटेंट, मैंने पहले भी कहा, एक मिलिटेंट लोकल मारा जाता है, बदकिस्मती से उस गांव में और एक लड़का खड़ा हो जाता है। इट्स अ विशियस सर्कल, वी हैव टू ब्रेक इट। तो वो तो हम ऐसे कितने मारेंगे हम, और वहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन चलती रहती है, इन्फिल्ट्रेशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वहाँ भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद इन्फिल्ट्रेशन होती है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो हम जिनको हम कहते हैं कि बात करो, उनके साथ बात करें, बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, जो इंटरलॉकेटर या उसको रिप्रेजेंटेटिव कहिए वो आया है इसी के लिए, बट अगेन यू कांट फोर्स देम, यू कांट फोर्स देम, दे हैव टू कम फॉरवर्ड, दे हैव टू अंडरस्टैंड कि जो इस वक्त इतनी यहाँ खराबी हो रही है इसको कैसे रोका जाए। सर, रही बात पाकिस्तान की, मैंने पहले भी कहा, हम इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहते, मगर हमारे मुल्क को भी ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जैसे वाजपेयी जी समझे थे कि जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होते हैं, सबसे ज़्यादा उसका बुरा असर जम्मू कश्मीर के लोगों पे पड़ता है। फिदायीन अटैक में कौन मारे जाते हैं? हमारे मुल्क के सिपाही। आईडी ब्लास्ट में कौन मारा जाता है? हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस। एनकाउंटर में, क्रॉस फायर में कौन मारा जाता है? जम्मू कश्मीर के लोग। बॉर्डर पे कौन मारे जाते हैं? हमारे जम्मू के लोग। बच्चे कौन दरबदर होते हैं? हमारे जम्मू के बच्चे दरबदर होते हैं। इसलिए मुझे खुशी है, मैंने पढ़ा कहीं कि कहीं हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है उनकी कोई मीटिंग हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान, जिन्होंने पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए, लाहौर गए, उसका सही जवाब नहीं दिया बल्कि गलत किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान इस बात को समझे कि जम्मू कश्मीर अपनी तकदीर लिख चुका है। अब ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर अपने मुल्क और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का बाइस बनने के बजाय एक अमन का पुल बन सकता है, जैसे मुजफ्फराबाद, वहीं का वहीं है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, वो जो बॉडी स्कैनर नहीं है ताकि हमें पता चले कि वहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है। वहाँ भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया, यहाँ रावला कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव किया। मैं तो कहती हूँ कि जो हमारा पुराना रास्ता है, अभी देखिए कितने रास्ते बन रहे हैं, आप समंदरी लिहाज से दूसरे मुल्कों के साथ जुड़ते हो, अभी सऊदी अरेबिया फिर समंदरी जहाज जाएगा, बाई एयर जुड़ते हो, तो क्या हर्ज है अगर जम्मू कश्मीर गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया बनता है तो हमारे मुल्क जो है। मैंने अभी पढ़ रही थी मैं अफगानिस्तान में, जो अमेरिका सोच रहा था आज से कई साल पहले कि वहाँ माइंस है, तो इसीलिए वो सोच रहा था मैं रास्ता बनाऊंगा
क्योंकि सबसे बड़ा जखीरा अगर माइंस का कहीं है तो वो अफगानिस्तान में है। चाइना ने बना दिया, उन्होंने जो ये रास्ता बनाया उन्होंने बना दिया, हम पीछे रह गए। तो मैं बार बार कहती हूँ हमारी रियासत स्ट्रेटजिकली इतनी वेल प्लेस्ड है, वी शुड बिकम पार्ट ऑफ दिस सिल्क रूट, ताकि ये जम्मू कश्मीर के जो एक ही तरफ देखता है उधर उधर, आज क्या बोला रेडियो पाकिस्तानी है पीटीवी ने, ये इसके लिए पूरी दुनिया यहां से खुल जाए, जैसे पहले जमाने में होती थी, ताशकंद, उज्बेकिस्तान, ईरान, इसको जम्मू कश्मीर को छोटा ईरान कहते थे कश्मीर को पहले, इतना इन्फ्लुएंस था उनका। और उसी इन्फ्लुएंस की वजह से 1947 में हमने वो फैसला किया, क्योंकि इन्फ्लुएंस उस इस्लाम का था जो भाईचारे में एक ही रखता है, जो हिंदू मुस्लिम सब चीज़ों को मानता है। सर इसलिए मेरा ये कहना है कि हम लोग जो हैं यहाँ पर, हमारी जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही, मगर साथ ही मैं एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि मुझे मौका मिला हाल ही में डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का, और मुझे तो खुशी हुई थी क्योंकि अपोजिशन के MLAs तकरीबन काफ़ी लोग मेरे पास आए, और मैंने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया, और उनके डेलीगेशंस आए, जो उन्होंने डिमांड की मैं MLA साहब के साथ बात करके मैंने उसको वहीं पर कर दिया। मगर एक चीज़ सर, मैंने तो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई अपने सरकार के बारे में, मगर एक चीज़ का मुझे एतराफ़ है, जो हमारा सिस्टम है आज का नहीं कल का नहीं सालों साल का, ये कहीं ना कहीं फेल हो रहा है हमारे लोगों को। अदरवाइज रात के 1:30 बजे 80 किलोमीटर से दूर मरमत का आदमी, बॉर्डर का आदमी, दक्षिण का आदमी मेरे पास 150 पाइप के लिए नहीं आता, हमारी पाइप टूट गई है इसको जोड़ दो हम पानी पियेंगे। हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर अभी नहीं लगा है, आज़ादी के 70 साल, अगर आप 50 पोल दोगे ट्रांसफार्मर दोगे तो हमें बिजली आएगी। उसमें मैंने सर एक चीज़ नोट की कि हम तो कहीं ना कहीं पीछे रह ही गए हैं इन इलाकों से, मगर हमारे ऑफिसर कुछ तो मैंने देखा बहुत अच्छे हमारे अफसर हैं जिनके फिंगर टिप्स पे इरिगेशन स्कीम कहाँ चल रही है कहाँ ख़राब है, PHE की स्कीम कहाँ चल रही है कहाँ ख़राब है, कौन सी कनाल ठीक है किसका रिपेयर होना है याद है, मगर कहीं ऐसे ऑफिसर हैं जो फील्ड में नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। जब वहाँ लोग उनसे बात कर रहे थे फलानी कनाल, उसको मालूम ही नहीं था फलानी जगह। हम क्या करते हैं कि मैंने अपने, इसीलिए हमने एक फैसला किया कि हम जो भी काम करेंगे वो 2 साल में ख़त्म होना चाहिए, कम करेंगे मगर उसका पैसा भरपूर रखेंगे। सर PHE की स्कीम चालू होती है, टोकन मनी रखो, 10 करोड़ की स्कीम है, टोकन मनी रखो 5 लाख, तो 5-5 लाख करते करते वो स्कीम 100 करोड़ तक पहुंच जाती, पर कभी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि 5 लाख 5 लाख 5 लाख। ऐसी कई स्कीमें जिसमें 2 करोड़ की जगह 15 करोड़ खर्च पर काम ही नहीं। यही इरिगेशन का हाल है, यही फ्लड प्रोटेक्शन का हाल है, यही बदकिस्मती से हमारे जो अस्पताल हैं, जो हम कहते हैं मॉडल अस्पताल हम बनाएंगे, मुझे आज खुशी है कि हमने कई डॉक्टर्स के लिए जो हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी शुरू किए, क्योंकि ये भी शिकायत है दूर दराज इलाके लोग मामूली दवाई के लिए तरसते हैं, क्या करेंगे वो, वहाँ जो आपके हेल्थ सेंटर है वहाँ डॉक्टर रहता नहीं है, और उसमें भी हमारा कसूर। आप किसी डॉक्टर की ट्रांसफ़र करते हैं, मैं चिट्ठी भेजती हूँ, मेरा MLA आता है, मेरा मिनिस्टर आता है, दूसरा आता है, ये एक छोड़ दो इसको वापस बुलाओ। तो मेरा ये है सर, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम फेल होते हैं लोगों को, मतलब इतना हम बड़ा फ्लाईओवर बना रहे हैं, बहुत बड़ा फ्लाईओवर बना रहे हैं, मगर जब डोडा का वो भोंजुआ का आदमी, उसको हम जो है 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना पा रहे अभी तक, तो मुझे लगता है फ्लाईओवर तो फ्लाईओवर से क्या फ़ायदा है। हम बड़ी बड़ी स्कीमें अनाउंस करते हैं, बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, मगर जब दूर दराज कोई इलाका है, कोई मरम्मत का है, कोई यहाँ है इधर जो राजौरी का है, पुंछ का है, कठुआ का है, वहाँ अभी ट्रांसफार्मर नहीं है। तो मेरी यहाँ, चूँकि यहाँ ब्यूरोक्रेसी के लोग भी बैठे, मेरी उनसे गुजारिश है, मोहतमाना गुजारिश है सेक्रेटरी साहिबान से भी, उनके जो नीचे भी स्टाफ है, कि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, कल क्या होने वाला है, कल यहाँ कौन होगा वहाँ कौन होगा
وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. مگر ان آپ لوگ تو یہی ہوتے ہو, آپ تو نہیں بدلتے, ہم لوگ بدلتے رہتے ہیں. مگر آپ کا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ یہ جو دور دراز پچھڑے ہوئے علاقے ہیں, معمولی چیز کے لیے ایک بلاک میں ایک جگہ کو, ایک بلاک میں ایک کے لیے جانا پڑتا ہے, پولیس اسٹیشن دوسرے بلاک میں ہوتا ہے, پی ایچ ای تیسرے بلاک میں ہوتا ہے, پاور چوتھے بلاک میں ہوتا ہے. مطلب یہ ری آرگنائزیشن بھی نہیں ہم کر پا رہے ہیں ابھی تک, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. تو ڈی سیز ہے, ان کو جانا چاہیے, ان کو ایریاز میں جانا چاہیے, ان کو پبلک دربار کرنا چاہیے, چھوٹی چھوٹی ایشوز ریزالو ہوں گے. ایگزنس ہے, پی ایچ ای اریگیشن, آر این بی, پی ایم جی ایس وائی, تو جتنے بھی جو نزدیک کے ایریا اس میں تو گھومتے ہیں یہ, مگر جو دور دراز علاقے اس میں نہیں جاتے ہیں. تو میری گزارش ہے سب سے معتبرانہ کہ آپ آفیسرز کو جو ہیں دور دراز علاقوں میں ان کو بھیجا کریں, ان کو تاکہ جو مقصد ہے ہماری سرکار کا وہ مقصد فوت نہ ہو جائے, وہ پورا ہو جائے. اور اس طرح سے جو کئی لوگوں نے یہاں شکایت بھی کی کہ پبلک دربار کو لے کے, تو میرا خیر ایسا کوئی نہیں ہے. جو ایم ایل ایز میرے پاس آئے وہاں ساتھ, میں نے ان کو بھی اوبلائش کیا. جو بعد میں آئے چپکے چپکے, جو بعد میں آئے چپکے چپکے, میں نے ان کے کام بھی کر دیے. میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتی, کیونکہ سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے ہی کی, سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے ہی کی جو چپکے چپکے آگے. ادھر 50 لاکھ چاہیے, ادھر 35 لاکھ چاہیے, ادھر 1 کروڑ چاہیے. میں نے کہا لے جاؤ, یہ لوگوں کا خزانہ ہے, آپ لوگوں کے کام کرنے کر لو. تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے اس طرح جو ہے, کیونکہ جو بات کہنی چاہیے وہ آگے کہنی چاہیے. تو میرا آخر میں یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو آر روٹس. جو ہمارے جموں کشمیر کے روٹس ہیں, جہاں سے ہم چل پڑے ہیں, ہمارا جو بھائی چارہ ہے, ہمارا روٹس آر او او ٹی ایس روٹس, اور روٹس آر او یو ٹی ایس وہی ہے, تیشا بیاخ روٹس, سلک روٹ اینڈ روٹس. وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو آر روٹس. اور کتنا اچھا ہوتا کہ اگر جو اپوزیشن جو اس ہاؤس کی جو اس کا ہاؤس کا اپنا ایک اسٹیٹس ہے, اس کا تقدس کو برقرار رکھے, اگر وہ نہیں گئے ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. سر جہاں تک پنچایت الیکشنز کا سوال ہے, میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی امپاورمنٹ گراؤنڈ پہ کریں, کیونکہ خالی اوپر ہمیں نیچے کچھ بھی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ جو نچلی لیول پہ زیادہ سے زیادہ, اور آج کی بار جو پنچایت الیکشن ہوں گے وہ خالی نام کے لیے نہیں ہوں گے, اس میں 2-3 ٹائر کا جو سسٹم ہے وہ باضابطہ ہوگا, ان کو باضابطہ پاورز ہوں گے, بلاک سمیتی بنے گی, ڈسٹرکٹ سمیتی بنے گی, تاکہ یہ لوگ بھی اپنی لیول پہ لوگوں کے کام کر سکے. اسپیکر صاحب, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, اور ان ایم ایل ایز کی بھی جنہوں نے اس بحث میں حصہ لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا.